नमस्कार, द एचडी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी शरद। इस वक्त मैं रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड पर खड़ा हूं, जहां पर अन्य राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वह स्वास्थ्य जांच करने के लिए फिर यहां आ रहे हैं बस के इंतज़ार में, या फिर उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ से बसें खुल रही है। कुछ बसें जो है सुबह खुली भी, लेकिन अभी फिलहाल न इन मजदूरों से कोई पूछने वाला है, न इन्हें कोई बताने वाला यहाँ पर है। अब मजदूर फिर से पैदल चलने को मजबूर हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर रो भी रहे हैं। देखिए, आपको पहले अपने दाहिनी तरफ एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये काउंटर बनाया गया है, दरअसल ये कोरोना संकट में ही काउंटर बनाया गया है कि बाहर से जो मजदूर बस से आएंगे उन्हें फिर यहाँ से बताया जाएगा और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके, यदि दूसरे राज्य के मजदूर हैं तो दूसरे राज्य भेजा जाएगा, अगर झारखंड के ही दूसरे ज़िले के मजदूर हैं तो वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई बस यहाँ से अभी नहीं खुल रही है। और हमारे ठीक बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई मजदूर जो झारखंड के अलग अलग राज्य अलग अलग जिले से हैं, उन्हें जाना है और वो इंतज़ार कर रहे हैं। एक महिला है, उन्हें गढ़वा जाना है, तब से करीब आधे घंटे से बैठकर यहाँ पर वह रो रही हैं, चूँकि इनकी तबीयत खराब है और गढ़वा में ही जाकर इलाज कराना है। छत्तीसगढ़ से ये आए हैं, सभी से बात करते हैं। क्यों रो रहे हैं चाची? लान के यहाँ बीच में छोड़ दो, लान वहाँ सूरजपुर से उठा के लान के घर पहुँचा देव, अब यहाँ लान के छोड़ दिलान हमन के, अब हमन कहाँ जाए, कुछ खाए पे के व्यवस्था कुछ है ये नहीं, कुछ आवे जाके व्यवस्था है ये नहीं। कहाँ कहाँ गए रहो, कहाँ से आए लोग? सूरजपुर से। सूरत से, हाँ। और यहाँ के छोड़ दिला? यहाँ वो गाड़ी वाला, सरकारी बस वाला। का बोला सर? को कहलक कि हम पहुँचा देंगे, वहाँ बस धरा देंगे। हाँ। यहाँ कोई बस है ये नहीं है, और छोड़ छाड़ के चल दिया। अब यहाँ से जाने का, जाने का कोई साधन नहीं है कहीं। का बोला था यहाँ पर कोई बात? हाँ, कॉलेज हाँ यहाँ ही गाड़ी मिली, यहीं रहा बस, इतने कह के चल गया। तब हम के कैसे व्यवस्था करो, हम जाऊं मंत्री जी देखत रहन, का बोलबो मंत्री जी के? सारे गढ़वा के बड़न मंत्री है, मंत्री बड़न ना मिथिलेश जी कहां गढ़वा, तो हम तो ई बड़े। हां देख रहे हैं इसमें, अच्छा ठीक देख रहा है, देखत हम गढ़वा में देखत लोग लगे। हां तब हम के भाई कैसे घर पहुंचाओ, आओ का ये बता, का कहूं? तो वहाँ पे मतलब परिवार वाला काम करे गेल रहे बेटा सर? हाँ, कामे करे गई रही, घर रहे हमारे वहाँ सूरजपुर में। अच्छा। घर के मैं गईली तो दो चार दस दिन के बाद इनका लकवा मार दिला। अच्छा। तो लकवा मार दिला, दवा भी रो सब करा ली, करा के तो कुछ ठीक हो गई ना। चाचा के ये होगी तबीयत खराब हो? हाँ, तो तबीयत खराब हो गई लग, तो उनका लेके हम अब चल लीजिए जाती, अब देहात में कहीं कुछ दवाई कराई तो वहाँ नगर पालिका में दिले रही कागज, तो नगर पालिका से लिख के हम उनके लन ले बना, लान के हमन के बीच में छोड़ दलन, गढ़वा तरफ जेते तो गढ़वा हमन ने उतर जेती कि नहीं, तो यहाँ लान के हमन के रांची छोड़ दलन, यही में भटक गई हमन नौका। वहाँ दवाई भैलक तो कुछ कंट्रोल बा, बाकी अभी हम सोच रही कि अब निकल जाए तो तनी दवाई करे देहात में। काला करुआ, हमारा नाम बा कमोदा देवी। देखिए, कमोदा देवी हैं जो छत्तीसगढ़ से आई हैं और इंतजार कर रही हैं और यहाँ से गढ़वा जाने के लिए, लेकिन रांची के इस खादगाड़ा बस स्टैंड पर कोई भी नहीं, ये बताने और समझाने के लिए नहीं है कि आखिर ये गढ़वा कैसे जाएं। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से और बाकायदा आईपीआरडी विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री का एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, और जिसमें तमाम राज्य के पुलिस के पदाधिकारियों और कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी मजदूर पैदल न चले, यह सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो झारखंड राज्य के हों या फिर झारखंड के बाहर के हों। लेकिन यहाँ खादगाड़ा बस स्टैंड की स्थिति आप देख सकते हैं, ये यही आदमी अड़ंतार। हाँ, आदमी है। तो ये देखिए, इनके पति हैं जिन्हें कुछ ही दिन पहले जो है लकवा मारा है और वो चल नहीं सकते हैं, अब इन्हें यहाँ से गढ़वा जाना है, तो मजबूरन इसी लाठी के सहारे और इसी लकवाग्रस्त पैर से इन्हें गढ़वा तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो कहा गया, क्या कहा गया, कि कल चलेगा? नहीं, जैसे हम लोग आए तब से वो इनके साथ जो आप थे ना, क्या बोला गया चाचा यहाँ पर? यहाँ तो एक आदमी बोल के गया कि सांझ के भिजवाएंगे। हाँ। तब कब ले सांझ के आएगा, कब ले पता है, कुछ पता नहीं है। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग यहाँ 10-11 बजे से हैं, बैठल है। गढ़वा में कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़वा के 10 किलोमीटर पीछे हैं, करुआ कला। अच्छा, करुआ कला। हाँ। तो आप छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं? वहाँ मकान बनाया, वहीं रहता था कभी। तो अभी छोड़ के क्यों आए?
नहीं छोड़ के कहा वहाँ रसीद कटाने खाली गए थे। अच्छा। और उसके बाद ये मार दिया लकवा मुझे। कहाँ लकवा? हाँ सूर्यपुर। कितना दिन पहले? करीब एक डेढ़ महीना हो गया। अच्छा, डेढ़ महीना पहले ही लगवा। हाँ। अच्छा। तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, कागज भी है मेरे। तो वहाँ 5-6 दिन रखा, अब सुई पानी किया। इसके बाद वहाँ से छुट्टी कर दिया। तो फिर इधर लॉकडाउन है, कोई रास्ते नहीं मिल रहा था गाड़ी आने के लिए। तो नगर पालिका में दरखास्त दिए, तो वहाँ से पास हो गया। तो पास हुआ तो गाड़ी वाला बोला सूरजपुर के, नहीं हम वहाँ गढ़वा तक भेजेंगे। अब यहाँ ला करके कह रहा गढ़वा कोई गाड़ी नहीं है। तो वहाँ से वही बस से हम लोग को यहाँ भेजवाया कि आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ गाड़ी मिलेगा, चले जाइएगा। हाँ, सबके पर्ची दिलन लिख लिख के। हाँ। हम 4 आदमी के पर्ची नहीं दिलन। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हाँ, यहाँ यहाँ हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ में दिला। हाँ, यहाँ पर्ची नहीं मिला। हाँ, तो उनका नंबर लिखा हूँ जो पर्ची दे रहा था उसका। पर्ची में क्या लिखा है? पर्ची में तो देखे नहीं। अच्छा, कि मतलब आप ठीक हैं? हाँ, कोरोना नहीं है? नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, कोरोना जांच रिपोर्ट का बकायदा पर्ची इस परिवार को दिया गया है और इन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन फिलहाल समस्या ये है कि यहाँ से इन्हें गढ़वा जाना है और कोई साधन नहीं है। क्या बोला गया यहाँ पर? यहाँ पे सर बोला गया यही कि जब हम लोग वहाँ से उतरे वहाँ पे गाड़ी से, तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे अभी उतरो मत, से कुछ देर बाद साधन करते हैं, इसके बाद आप लोग का छोड़ा जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग के यहाँ छोड़ दिया गया है खादगढ़ा। खादगढ़ा से फिर साहब लोग से जैसे मैं पूछे तो वो लोग बोलते हैं कि फिर वहीं पे जाओ पैदल, मतलब वहीं पे फिर जाओ कि वहीं से फिर गाड़ी घोड़ा मिलेगा। तो अब इन लोग सर ऐसा है, चाचा को पोलिया मार रखा है, तो इनको कैसे इनको लेके जा सकते हैं वहाँ पे, वो भी तो दिक्कत है। आप फिर बोलते हैं कि सब चीज़ में यहाँ पे दीपक है, साहब लोग यहाँ पे हैं, ऐसे कोई मतलब है नहीं जो किसी से बात करके कुछ सोल्यूशन हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो प्रशासन है और खासकर सरकार है, उनके कानों तक इनकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कई लोग जो है चलते चलते अब बीमार हो चुके हैं और इस स्थिति में घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है। और कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका आप कहाँ जाना है? सर पतरातू। पतरातू जाना है जी। तो यहाँ क्या बोला गया? यहाँ पर सर वो बोले ना, मतलब आए तो वहाँ पुलिस वाले भैया जी खाना बांट रहे थे, तो वो बोले कि महाराष्ट्र से और इधर से बहुत दूर से लोग कैसे पैदल आ रहा है, तो तुम यहाँ से 30-40 किलोमीटर है दूर पतरातू, तो 40 किलोमीटर तुम पैदल नहीं जा सकते हो कि पैदल चले जाओ। अब बताइए हम लोग को पैदल चले यहाँ से चले जाएं? पैदल चलने कौन? पुलिस वाले थे भैया जी, एक खिचड़ी बांट रहे थे, खाना खिला रहे थे। अच्छा। तो वो मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया। तो बिल्कुल देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले सरकार की तरफ से, हालांकि कल ही जब केंद्र की सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन आया था कि हर एक राज्य के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल ना चले, उन्हें किसी तरह चाहे कोई भी साधन हो उस साधन से उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाकायदा यह संदेश तमाम झारखंड पुलिस के अधिकारियों को दिया, उनको निर्देश दिया, आदेश दिया। इसके बावजूद स्थिति यह है कि पुलिस का ही पदाधिकारी इनको कह देता है कि बगल में ही पतरातू है, 50 किलोमीटर तुम पैदल चल सकते हो। तो वस्तु स्थिति यह है, वादे कई किए जा रहे हैं ट्विटर से और फेसबुक के जरिए और टीवी के जरिए, कई बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी इन ऐसे मजदूर के और इन मजदूर के परिवार के आंखों का आंसू जो है पोंछने वाला कोई नहीं है। इस पूरे खादगढ़ा बस स्टैंड में कई लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों से बात कर उसकी बात आप तक पहुँचाए। देखिए किस तरह से पूरे सन्नाटे में तब्दील है यह काउंटर, जो काउंटर सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया गया था कि ताकि जो मजदूर यहाँ पर पहुँचे उनका बकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा सके, उनको बकायदा सही सूचना दिया जा सके कि आखिर कब उनके घर तक जाने के लिए बसें खुलेगी। और कई लोग हैं, चाची आप रोइए नहीं, हम लोग अभी बात करेंगे और आपको पहुँचाएंगे, ठीक ना? आप चुप हो जाइए पहले, चुप। और कौन है आप लोग दोनों के साथ? कौन है और आपका कोई बेटा भी है? हाँ, लड़का भी है। लड़का क्या करता है? वो गैरेज में काम कर रहा, तो उनको परिवार तक के तबीयत खराब बा, तो वो संगे साथे चलन निकल जाए। तो बिहार में रहे परिवार, तभी लान के फंस गई है, तो उनको परिवार का तबीयत खराब बा। गढ़वा जिला से कितना दूर बा गांव ताल? 6 मील फिर इधर पीछे ही है। 6 मील बा। विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ेगा? गढ़वे ना? गढ़वे। हाँ, गढ़वा। हाँ, गढ़वा। तो वोटर तो सूरत के बड़े की गढ़वा के? नहीं, यहाँ यहाँ के हैं। गढ़वा के बड़े? हाँ, हम वोटर हैं क्या? हमारा
कले करवा के भोट रही है मान ना रोए के नहीं के रोवा मत हम कुल व्यवस्था अभी करा जा मंत्री से बात करके ठीक ना। तो देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो शायद थक गए हैं चलते चलते, जो शायद उम्मीद लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई जब उम्मीद इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो शायद वही आंसू में तब्दील होकर आंखों से बहता है। क्या गिलास नहीं पकड़ता है, गिलास भी नहीं पकड़ा रहा है, छलक के गिर जाता है। हम इसके लिए बहुत परेशान है। यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ खाना दे रहे लोग, एक थाली नहीं दे रहे लोग, 10 फोटो क्लिक कर रहे। बताइए हम लोग मतलब वहाँ मतलब शायद खाना बांट रहे लोग, तो मैं खाना जैसे गया लेने सब कोई को, तो एक थाली मतलब मुझे लगा कि पैसा से दिया जा रहा, तो मैं गया खाने तो नहीं, वो फ्री का दे रहे थे, लेकिन एक थाली पकड़ा कर और 10 फोटो क्लिक कर रहे। बताइए क्या हम लोग मतलब इतना मजबूर हो गए कि हम लोग भिखारी हो गए कि मतलब खाना लेकर फोटो खिंचवाए और अपना वायरल करवाएं। बोले नहीं उनको, मैं मना किया, बोला उस लड़की को वहाँ पर ये होटल है, तो वो बोलती है कि प्रशासन बोले हैं, पीछे वो देखिए पुलिस चौकी है, तो बोल पुलिस ही खिला रहा था। नहीं वो लड़की वो खिला रही थी, दो लड़की, हाँ दो लड़की थी वहाँ होटल में, पीछे है ना उधर पैसेंजर, तो वो बोलती है, तो मैं बोला कि आप फोटो क्यों क्लिक कर रहे हैं, तो वो बोलती है कि, मैं बोला कि क्या प्रशासन बोले हैं, तो बोल रही है कि हाँ वो देखिए पीछे पुलिस चौकी है, वो बोले हैं कि फोटो जिसको भी खाना खिलाओ और फोटो क्लिक करो। तो मैं खाना छोड़ दिया, मैं नहीं खाया क्योंकि मुझे फोटो क्लिक कराना अच्छा नहीं लगा, तो मैं खाना रिटर्न दे दिया वापस। तो बिल्कुल देखिए हम चाहेंगे कि इन लोगों की आवाज़ जो है किसी जायज़ व्यक्ति तक पहुंचे और इन लोगों को भेजने की जो है व्यवस्था हुआ सुनिश्चित की जाए। और कई मजदूर हैं उनसे भी बात करेंगे और इनकी बात जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि अलग अलग टुकड़े में लोगों से बात करें और उनकी बात आप तक पहुँचाए। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि जो गढ़वा के जाने वाले ये मजदूर हैं इनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पति जो है वह पूरी तरह से बीमार है और यही वजह है कि बूढ़ी चाची जो है लगातार इस खादगाड़ा बस स्टैंड पर बैठकर रो रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।